खबर हाथरस से, जो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा की गई कार्यवाही। पुलिस कार्रवाई के दौरान हाथरस शहर के दो शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। दोनों शातिर चोरों के कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिल और 1 किलो 100 ग्राम अवैध नशीला पाउडर हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार जनपद हाथरस में चलाया जा रहा है संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग अभियान। वहीं आपको बता दें कि थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा की गई चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए बीसी जूरिया स्कूल के पास मैंडू रोड से दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। ये हाथरस जनपद के थाना क्षेत्र कोतवाली में बढ़िया गुडवर्क हुआ है, जिसमें कि दो बाइक चोरों का एक गैंग है, उसको हमने आज पर्दाफाश करा। इसमें हम लोग को 15 चोरी हुई बाइकें भी रिकवरी हुई है और जो दो अभियुक्त को हमने जेल भेजा, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसमें अनिकेत के ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें ओल्डेस्ट मुकदमा 2016 का बताया जा रहा है और जो दूसरा व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार करा उसका नाम प्रशांत है, इसके पास लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसमें जो अनिकेत है ये एक बीटेक ग्रेजुएट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और इसका जो मॉडस ऑपरेंडा है, ये घटना कारित करने के बाद ये बॉम्बे भाग जाया करता था। वहाँ पे कुछ दिन ये पुलिस को इवेड करता था, दूर रहता था और बाद में आके बाइक को ठिकाने लगाया करता था। पास से कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस, कुछ ड्रग्स का वो भी मिला है, सामान मिला। अब ये ड्यूरिंग इंटरोगेशन हम पता करेंगे, इनको PCR पे भी लिया जाएगा और आगे की रिकवरी करी जाएगी। हाँ, 25,000 का टीम का इनाम मेरी तरफ से दिया गया है।